आईपीएल 2022 का एक और महामुकाबला गुजरात टाइटंस और राजस्थान रॉयल के बीच खेला गया। ये मुकाबला नहीं जनाब, महामुकाबला था, क्योंकि इसमें पॉइंट टेबल को लेकर बहुत ही बड़ा बवाल खड़ा होने वाला था। इस मुकाबले में संजू सैमसन ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया और टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी गुजरात टाइटंस की टीम ने शानदार बल्लेबाजी करी। शुरुआत भले ही टीम के लिए कुछ खास नहीं रही हो, लेकिन जी हां, हार्दिक पांड्या ने टीम के लिए 52 गेंदों में 87 रन की नॉट आउट पारी खेली। जी हां, और उनका साथ निभाया अभिनव मनोहर ने। डेविड मिलर की नॉट आउट 31 रन की पारी के साथ में गुजरात टाइटंस ने टॉस हारकर पहले बैटिंग करते हुए 192 रन का एक पहाड़ सा लक्ष्य राजस्थान रॉयल के सामने खड़ा कर दिया। इसके जवाब में राजस्थान रॉयल की शुरुआत तो बेहद ही शानदार रही। जॉस बटलर ने महज 24 गेंदों में 54 रन की शानदार विस्फोटक पारी खेली थी, लेकिन कहीं न कहीं मिडिल ऑर्डर राजस्थान का फ्लॉप रहा और उसकी वजह से राजस्थान रॉयल को एक करारी हार का सामना करना पड़ा। इस लक्ष्य का पीछा नहीं कर पाए महज 155 रन बनाकर 9 विकेट के नुकसान पर 20 ओवर में ये गेम खत्म हो गया। इस मैच के बाद पॉइंट टेबल में एक बहुत ही बड़ा बवाल पैदा हो गया। राजस्थान रॉयल को झटका लगा है, न केवल राजस्थान रॉयल बल्कि बाकी टीमों के भी समीकरण गुजरात टाइटंस ने अब बिगाड़ दिए हैं। जी हां, जो टीमें अब लग रही थी प्लेऑफ में जाने की रेस में सबसे आगे, उनके सपनों पर पानी फेर रही है गुजरात टाइटंस। आइए जानते हैं गुजरात टाइटंस की इस बड़ी जीत ने कैसे पॉइंट टेबल में बवाल खड़ा कर दिया है। इस मैच के बाद क्या है पॉइंट टेबल का हाल, आइए जानते हैं इसे खास रिपोर्ट में। वीडियो में आगे बढ़ेंगे और जानेंगे सब कुछ, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी है गुजरात टाइटंस के फैन, राजस्थान के फैन, आईपीएल के फैन, तो वीडियो को लाइक करके अपना सपोर्ट जरूर दिखाएं और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबाएं ताकि क्रिकेट जगत की तमाम बड़ी अपडेट आप तक पहुंचती रहे। तो खैर, वीडियो में आगे बढ़ेंगे और जानेंगे आखिर राजस्थान रॉयल के हार और गुजरात टाइटंस की जीत ने बाकी टीमों के लिए कैसे मुश्किलें खड़ी कर दी। लेकिन आइए उससे पहले जानते हैं आखिर क्या हाल है ऑरेंज कैप और पर्पल कैप के प्रबल दावेदारों के बारे में। क्या राजस्थान के जॉस बटलर फिलहाल पहले पायदान पर है ऑरेंज कैप की रेस में। आज के मैच में खेली गई अर्धशतकीय पारी के दम पर 272 रन बनाकर जॉस बटलर राजस्थान रॉयल की तरफ से प्रबल दावेदार बन चुके हैं। तो वहीं पर बात करते हैं ऑरेंज कैप की, तो 12 विकेट के साथ में युजवेंद्र चहल पर्पल कैप के प्रमुख दावेदार की रेस में सबसे आगे हैं। खैर, आइए जानते हैं आखिर इस राजस्थान रॉयल की हार और गुजरात टाइटंस की जीत से पॉइंट टेबल में क्या बड़ा बवाल पैदा हुआ है और टॉप फोर की लिस्ट अब और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होती हुई नजर आ रही है। उल्टी गिनती शुरू की जाए तो इस लिस्ट में सबसे नीचे यानी कि 10वें पायदान पर 5 में से 5 मुकाबले हारकर मुंबई इंडियंस का नाम शामिल हो जाता है। वैसे इस बार की आईपीएल की पॉइंट टेबल थोड़ी उल्टी नजर आती है। जी हां, मुंबई टॉप पर नजर आती है, लेकिन इस बार सबसे नीचे है चेन्नई सुपर किंग्स। 5 में से 1 मुकाबले जीतकर 4 मुकाबले हारकर 2 पॉइंट के साथ में 9वें पायदान पर है। सनराइजर हैदराबाद 4 में से 2 हारकर 2 जीतकर 4 पॉइंट के साथ में 8वें पायदान पर। 7वें पायदान पर दिल्ली कैपिटल है जो 4 में से 2 मुकाबले जीते हैं और 2 मुकाबले हारे हैं। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर, जी हां, 5 में से 3 मुकाबले जीतकर ये टीम 6वें पायदान पर है और 5वें पायदान पर नाम लखनऊ सुपर जॉइंट्स का आता है, जिन्होंने 5 में से 3 मुकाबले जीते हैं और 6 पॉइंट के साथ में ये टीम 5वें पायदान पर बनी हुई है। लेकिन अगर चौथे नंबर पर बात की जाए तो नाम पंजाब किंग्स का आता है। 5 में से 3 मुकाबले जीतकर 6 पॉइंट के साथ में ये टीम 4थे पायदान पर है। राजस्थान रॉयल भी तीसरे पायदान पर है। थोड़ी नेट रन रेट अच्छी होने की वजह से 5 में से 3 मुकाबले जीतकर 6 पॉइंट के साथ में ये टीम तीसरे पायदान पर है। हालांकि इस मुकाबले से पहले ये टीम पहले पायदान पर थी, लेकिन गुजरात टाइटंस ने उस कुर्सी को छीन लिया है और गुजरात टाइटंस पॉइंट टेबल में नंबर 1 पर है। नंबर 2 पर कोलकाता नाइट राइडर है, जिन्होंने 5 में से 3 मुकाबले जीते हैं और 6 पॉइंट के साथ में ये टीम दूसरे पायदान पर है। पहले पायदान पर नाम गुजरात टाइटंस का है। 5 में से 4 मुकाबले जीतकर 8 पॉइंट के साथ में ये टीम कहीं न कहीं अब प्रबल दावेदार बन चुकी है। टीम को अभी भी 9 मुकाबले खेलने हैं और उसमें से अगर इसने 4 मुकाबले भी जीत लिए, इस टीम का प्लेऑफ में जाना तय हो जाएगा और जो कि अब लगता भी है।